नेक्स्ट नाइन न्यूज़, मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और आज मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं हमारे इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है टॉप नाइन। जी हां दोस्तों, मैं जानती हूं आप सभी हमारे इस प्रोग्राम का काफी बेसब्री से इंतजार करते हैं। अरे भाई इंतजार हो भी क्यों ना, बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप नाइन खबरों से जो मैं आप सभी को रूबरू करवाती हूँ। तो फिर बिना देरी किए शुरुआत करते हैं इस प्रोग्राम की और डालते नजर आज की हमारे इन खास टॉप नाइन मजेदार खबरों पर। कैंसर से जूझ रही सोनाली बेंद्रे, जो पिछले काफी वक्त से न्यूयॉर्क में इलाज करवा रही थी, लेकिन अब हाल ही में सोनाली बेंद्रे मुंबई यानी कि भारत लौट आई हैं, लेकिन अभी भी उनका कैंसर पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। इसी दौरान आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर सोनाली बेंद्रे को जब फैंस ने देखा तो फैंस भी काफी ज्यादा भावुक हो गए थे और सोनाली बेंद्रे भी काफी भावुक होती हुई नजर आए। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे की एक तस्वीर सामने आई जिसमें सोनाली बेंद्रे इतने लंबे वक्त बाद अपने पेट डॉग यानी कि अपने कुत्ते से मिलकर काफी ज्यादा खुश हुई और उनके गालों पर किस करती हुई नजर आई हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर सोनाली की तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सोनाली बेंद्रे अपने पेट डॉग से मिलने के बाद काफी ज्यादा भावुक होती हुई नजर आई हैं। कहते हैं कि जब जानवरों को घर में पालो तो उनसे बिल्कुल फैमिली की तरह प्यार हो जाता है। सोनाली बेंद्रे अपने पेट डॉग से इतनी ज्यादा दूर थी और इतने लंबे वक्त बाद अपने पेट डॉग से मिलकर वो काफी ज्यादा भावुक हुई और काफी ज्यादा खुश भी होती हुई दिखाई दी है। बॉलीवुड की देसी गर्ल और हॉलीवुड में भी अपना अच्छा खासा नाम कमाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने हाल ही में जोधपुर के उमेद भवन में शादी रचाई। जी हां, निक जोनस संग प्रियंका चोपड़ा शादी रचा चुकी है, तो वहीं इस शादी को काफी धूमधाम से भी मनाया गया। लेकिन आपको बता दें कि जहां एक तरफ प्रियंका चोपड़ा की शादी में आतिशबाजी हुई यानी कि बम पटाखे फोड़े गए, तो वहीं इस बात से योग गुरु बाबा रामदेव का गुस्सा फूटा है प्रियंका चोपड़ा के ऊपर। दरअसल योग गुरु बाबा रामदेव ने प्रियंका की शादी में आतिशबाजी को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। बाबा रामदेव का सवाल है कि जब प्रियंका विज्ञापन में ये कहती हैं कि पटाखे ना जलाओ तो शादी में इतनी आतिशबाजी क्यों? रामदेव ने प्रियंका चोपड़ा से इतना ही कहा है कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना की पत्नी ताहिरा कश्यप, जो एक बार कैंसर से जंग जीत चुकी हैं, दरअसल आपको बता दें ताहिरा कश्यप को ब्रेस्ट कैंसर था, लेकिन हाल ही में ताहिरा कश्यप ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पर दी कि उनके अंदर कैंसर फिर से आ गया है और अब उनका कैंसर फर्स्ट स्टेज पे पहुंच गया है। लेकिन इस गंभीर बीमारी से जूझने के बाद भी ताहिरा कश्यप को अपने पति आयुष्मान खुराना के साथ दीपवीर यानी कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की रिसेप्शन पार्टी में देखा गया और बाकी उनकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि इतने मुश्किल वक्त में भी वो किस तरीके से खूब मस्ती करती हुई दिखाई दी, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कर रही हैं। तो फिर बिना देरी किए देखिए क्या कुछ खास रहा हमारे इस वीडियो में। बॉलीवुड की देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस फाइनली पति पत्नी बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने निक के साथ पहली मुलाकात में क्या पहना था? दरअसल आपको बता दें कि निक और प्रियंका का एक इंटरव्यू सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। इंटरव्यू में प्रियंका निक से एक्साइटेड होकर पूछती हैं कि क्या निक को याद है कि फर्स्ट डेट के दौरान उन्होंने क्या पहना था। निक इस पर तुरंत जवाब देते हैं, ब्लू जीन्स, व्हाइट टैंक टॉप, ब्लैक लेदर जैकेट, बीच से मांग निकाली हुई थी और रेड लिपस्टिक लगाई थी। वेल, प्रियंका चोपड़ा निक के ये जवाब सुनकर काफी ज्यादा दंग रह जाती हैं और प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की जोड़ी को फैंस काफी ज्यादा पसंद करते हुए नजर आते हैं। जिस तरीके से निक जोनस ने प्रियंका चोपड़ा को इतना ज्यादा नोटिस किया, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि प्रियंका चोपड़ा के लिए इससे ज्यादा अच्छा पति उन्हें नहीं मिल सकता था।
की मस्तानी दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने हाल ही में अपनी शादी का एक ग्रैंड रिसेप्शन दिया मुंबई में, जहां पर बॉलीवुड के कई बड़े तमाम सितारे मौजूद हुए थे। तो वहीं इस रिसेप्शन की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं, जिसमें मलाइका अरोड़ा को खूब कूद कूद कर नाचते हुए देखा गया। जी हाँ, इस पार्टी में मलाइका अरोड़ा भी मौजूद हुई थी और उनके बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर भी मौजूद हुए थे। और कहा जा रहा है कि मलाइका अरोड़ा ने अपने बॉयफ्रेंड अर्जुन कपूर के सामने शाहरुख खान के साथ चल छैया छैया गाने पर खूब जबरदस्त डांस किया है। तो वहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। अब आप ये तो सभी जानती हैं कि मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का प्यार इन दिनों सातवें आसमान पर है। तो वहीं कहा जा रहा है कि अब ये दोनों भी 2019 मार्च या अप्रैल तक शादी के बंधन में बंध जाएंगे। हाल ही में मुंबई में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ने अपनी शादी का रिसेप्शन रखा। इस ग्रैंड पार्टी में बॉलीवुड के कई तमाम बड़े सितारे मौजूद हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की एक तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। दरअसल तस्वीर में रणवीर सिंह के गालों पर एक प्यारी सी हसीना किस करती हुई नजर आई है और रणवीर सिंह भी उनसे लिपटे हुए दिखाई दिए हैं। अब भाई सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि भाई शादी के इस रिसेप्शन में रणवीर सिंह अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण को छोड़ अब ये किस हसीना से अपने गालों पर किस करवा रहे हैं। जी हां, जैसा कि आप तस्वीर में देख भी सकते हैं कि रणवीर सिंह के गालों पर एक हसीना किस कर रही है। तो वहीं कहा जा रहा है कि ये हसीना रणवीर सिंह की कोई दोस्त है। हालांकि इस हसीना का नाम रिवील नहीं किया गया है, लेकिन सोशल मीडिया पर रणवीर सिंह की ये तस्वीर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। हाल ही में रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने रखी ग्रैंड रिसेप्शन पार्टी, जहां पर बॉलीवुड के सितारों को देखा गया। तो वहीं यहां पर दिखाई दी विद्या बालन। माधव विद्या बालन यहां पर इतनी ज्यादा मोटी दिखाई दी कि उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रॉल किया जा रहा है और लोग पूछ रहे हैं कि क्या सच में विद्या प्रेग्नेंट है। आप देखिए हमारे इस वीडियो में तो आप भी यही कहेंगे कि क्या सच में विद्या प्रेग्नेंट है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान जो अक्सर ही अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती हैं, तो वहीं हाल ही में सारा अली खान को ट्रेलर लॉन्च सिम्बा के मौके पर देखा गया। आपको बता दें कि जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो ट्रेलर लॉन्च की तस्वीर बताई जा रही है, जहां पर सारा अली खान की खूबसूरती का अंदाजा आप इसी तस्वीर से लगा सकते हैं कि सारा कितनी ज्यादा खूबसूरत है। दरअसल आपको बता दें, सारा अली खान फिल्म केदारनाथ से बॉलीवुड में डेब्यू करेंगी, तो वहीं उसके बाद उनकी फिल्म बैक टू बैक यानी कि अगली फिल्म सिम्बा आएगी, जिसकी ट्रेलर लॉन्च के मौके पर उन्हें रणवीर सिंह के साथ देखा गया। अब देखना होगा कि जिस तरह की फिल्में सारा अली खान कर रही हैं, उन फिल्मों में सारा अपनी एक्टिंग से दर्शकों का कितना दिल जीतेगी। खूबसूरती के मामले में तो वो हर किसी को बाजी मार चुकी हैं, तो वही देखना होगा कि एक्टिंग के मामले में वो और किस किस को हराती हैं।
हम यहाँ बात कर रहे हैं कांस लुक को दोहराने वाली दीपिका पादुकोण की। किस तरह से कांस लुक को दीपिका ने दोहराया है ये तो आप भी जानते हैं। ऐसे में आप भी ये जानते हैं कि दीपिका की कांस लुक को दोहराते देखकर हम आपके लिए खबर जरूर लेकर आते। वेल देखिए जरा वो तस्वीर जिसमें दीपिका टीएस करते नजर आए। डांस के दौरान मदहोश दीपिका पादुकोण अपने फ्रेंड्स के बीच टंग निकाल कर टीएस करते नजर आए, चिढ़ाती नजर आई। शॉर्ट ड्रेस में लाल चूड़ा में दीपिका की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वेल शादी समारोह के बीच दीपिका इस तरह से खुशमिजाज नजर आई जिन्हें देख कोई भी कह दे कि सच में कांस लुक को दोहराकर दीपिका ने उन ट्रोलर्स को दिया है जवाब जिन्होंने दीपिका को इसी तरह से कांस के रेड कार्पेट पर ट्रोल किया था। देखने पर किस तरह वो दिया था उन्होंने जब ये लुक। वेल दीपिका ने बेहद ही खूबसूरत ड्रेस में जब इस तरह का पोज दिया था तो सभी ने उन्हें ट्रॉल किया था सोशल मीडिया पर, लेकिन उन्होंने अपनी शादी के रिसेप्शन पर फिर वही अंदाज दिखाकर कर दिया है साबित कि सोशल मीडिया पर ट्रॉलर्स का ट्रॉल करना उन्हें बिल्कुल भी ठेस नहीं पहुंचाता, बिल्कुल भी इसका असर उनकी जिंदगी पर नहीं पड़ता है। Well, दोस्तों तो देखा आपने, ये था आज का हमारा खास प्रोग्राम जिसमें हमने आप सभी को बॉलीवुड से जुड़ी तमाम टॉप 9 खबरों से रूबरू करवाया। और ये वो खबरें हैं जो इस वक्त टॉप 9 पोजीशन में भी अपनी एक खास जगह बना चुकी है। लेकिन फिलहाल के लिए दे दीजिए हमें इजाजत क्योंकि अब वक्त हो चला है आप सभी से विदा लेने का और इस प्रोग्राम का यहीं पर दीन करने का। पर आप निराश ना हुई, एक बार फिर लौटूंगी इसी प्रोग्राम के साथ और ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी तमाम मजेदार खबरों के साथ। अब तक के लिए बॉलीवुड की और भी चटपटी और मजेदार खबरों से जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज को।